जिस तरह कानपुर के ठग्गू के लड्डू पूरी दुनिया में मशहूर हैं, उसी तरह लखनऊ के बदनाम लड्डू की भी चर्चा होती है। दुकान का नाम देखकर एक बार जरूर लोग चौंक जाते हैं, लेकिन यहाँ के लड्डुओं का स्वाद काफी समय तक लोगों की जुबान पर बना रहता है। दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग तथ्यों को और शब्दों को उन्हीं अर्थों में जानते हैं जिन अर्थों में उनको बताया जाता है, लेकिन कोई है जिसने ये बताया कि समाज में आप किसको बदनाम कहेंगे और किसको नामी कहेंगे? या आप ही तो नहीं तय करेंगे ना, आप ही की परिभाषाओं से तो ये समाज नहीं चलेगा। प्रियेश सिंह जी हैं हमारे साथ, जिन्होंने बहुत हिम्मत के साथ अपनी दुकान का नाम रखा है बदनाम लड्डू, और उनको लगता है कि जिस तरीके से समाज में चलन बदले हैं, परिभाषाएं बदली हैं, अगर लड्डू बदनाम भी हुआ तो उसका नाम तो होकर रहेगा। हम हैं लखनऊ में अवध चौराहे के पास, एक दुकान है, इसका नाम है बदनाम लड्डू। ब्रजेश सिंह जी, ये आपकी दुकान का नाम बदनाम लड्डू क्यों, इसमें बदनामी क्या है? बदनामी ऐसा है कि हमारे यहाँ ठग्गू लड्डू कानपुर में था। हाँ, ठग्गू के लड्डू हैं कानपुर, तो बड़े मशहूर हैं, उसको लेके गाना भी लिखा गया। हाँ, बदनाम कुल्फी लिखा हुआ है, बदनाम कुल्फी। हाँ, तो दिल्ली के प्रवासियों ने एक बार इंटरव्यू लिया था। हाँ, तो बदनाम कुल्फी और ठग्गू लड्डू पूछा था आपने, ठग्गू लड्डू, तो उन्होंने बताया था लड्डू में कि गांधी जी का एक लेख लिखा था जिसमें लिखा था पत्र के लड्डू बनता नहीं, मेरे इंसान का स्वाद खाता दूर सकता, अपने अंदर झाँक कर देखा ठग्गू नजर आया। तो हमने जब दुकान खोला तो हमने पंडित जी से पूछा कि दुकान का नाम क्या है, तो उन्होंने बताया था इस बार पहला अच्छा बहुत अच्छा है, तो हमने बहुत दिमाग नहीं लगाया, वहाँ पे बदनाम कुल्फी थी, मैंने बदनाम लड्डू लिया। तो ब्रजेश जी ये बताइए कि गांधी जी की कौन सी पंक्ति थी जिसने आपको प्रेरित किया, आप बता रहे थे अभी? नहीं, ये तो लड्डू में लिखा था। हाँ, वो पांडे हैं, वो हमारे पार्टनर थे बड़े भाई के। हाँ, तो उन्होंने ये लिखा था, तो उन्होंने पूछा थे बदनाम लड्डू कुल्फी क्यों लिखा आपने, तो उन्होंने मिसाल लिखा था, मिसाल दिया था कि बड़े घरों की लड़कियां आकर जा रही, चाहे वो बराती हैं, लेकिन उनको पिकनिक कहा जाता है, पिकनिक। और गरीब घर की लड़की चाहे वो मेरे तेरे मौके भाई के साथ क्यों न जा रही है, लेकिन उसको कहेंगे बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी पे उनने लिखा था कि मानों में लिखी तो बदनाम न होती, इस बात की लिखी इसलिए क्या बात, तो उसी से वहाँ बदनाम कुल्फी लिखा है। लेकिन मैंने तो बदनाम लड्डू जो लिखा केवल वहाँ का नाम देखा बदनाम कुल्फी है, और वह पहला अच्छा रम में बताया था पंडितों ने कि तीसरे स्थान में चंद्रमा, तो दुकान पहली महीने चलेगी, तो हमको ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ा, हमने बदनाम कुल्फी के जगह बदनाम लड्डू लिया। ब्रजेश जी ये बताइए, नाम तो आपने रख दिया बदनाम लड्डू, इसकी खासियत क्या है? खासियत ये बन रहा है जी, ये तो पेड़ा बन रहा है, ये पेड़ा। और लड्डू कौन सा है दिखाइए, ये लड्डू है, ये है बदनाम लड्डू। ये बताइए ब्रजेश जी, इसकी खासियत क्या है इस बदनाम लड्डू की? इस बदनाम लड्डू में ताकतवर है। अच्छा, जैसे इसमें गोंद वगैरह भी पड़ा हुआ है, खोया भी पड़ा हुआ है, देसी घी भी पड़ा हुआ है, सूजी भी पड़ती है खोए के साथ में, और इसकी खासियत ये ताकतवर। तो ये ठंड का लड्डू भी जो कहते हैं वो है? बहुत से लोग इसमें डिलीवरी में भी बनवाते हैं, गोद और बनवाते हैं, थोड़ा सोठ और डलवा देते हैं, तो एक लड्डू को थोड़ा पौष्टिक माना, तो लोग अपने हिसाब से भी इसको बनवा सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि नाम बदनाम लड्डू लगने से लोग थोड़ा संकोच करते होंगे दुकान में आने में? नहीं, संकोच तो करते हैं, लेकिन जो नाम लिख दिया गया तो उसमें लोगों को लगता होगा यार लड्डू अगर बदनाम है तो हम क्यों खाएं, बदनाम है वही तो नाम वाला है, जो है बदनाम वही तो है नाम वाला है। वाह ब्रजेश जी, ये बताइए अभी चुनाव भी चल रहे हैं, क्या माहौल है चुनाव में? देखिए चुनाव में तो माहौल जो है यहाँ पे अभी कुछ स्पष्ट नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश यही है, लोग कर रहे हैं, कहना है कि बीजेपी ही है, बीजेपी आ सकती है। लोकसभा में तो खूब सीटें मिल गई थी, लेकिन विधानसभा का मामला थोड़ा अलग होता है, ये तो अलग होता है। तो ये समाजवादी कांग्रेस ने गठबंधन किया, इससे नुकसान नहीं होगा भाजपा को? समाजवादी में थोड़ा सा जो है हो सकता है नुकसान, और सपा को बसपा को ज्यादा मिल सकती है,
लेकिन यह है कि सपा में तो थोड़ा सा जो आपसी मतभेद था उससे हो सकता कोई नुकसान। वैसे पूर्व बहुमत तो हम लोगों की निगाह में तो भी नहीं आ रहा, बाकी आगे चल के देखिए क्या होता है। पूर्ण बहुमत किसी को नहीं आ रहा, मतलब संभावना दिखाई नहीं। जिसकी भी बनेगी कोई बैसाखी तो लगानी पड़ेगी, बैसाखी लगा के सरकार। जैसे पहली बार हुआ था वैसा हो जाए, ये अनुमान तो था नहीं लेकिन आ गया एकदम से आ गया। और क्या खासियत है आपके दुकान की, ये बदनाम लड्डू तो नाम है। नहीं, खासियत तो जैसे हम लोगों का दूध की बर्फी बनती है, दूध की डायरेक्ट बनाते हैं, इसलिए थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लोग मानते हैं। पेड़ा भी अच्छा हम दूध ही से डायरेक्ट बनाते हैं, प्रयत्न बनाने से, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा कोशिश करते हैं ताज़ा ताज़ा, और कस्टमर को सब ताज़े देने की कोशिश। तो बदनाम होने के बाद भी नाम हो रहा और भीड़ बनी रहती है, मतलब हाँ दुकान ठीक है। ठीक है, तो हम भी थोड़ा स्वाद लेंगे आपके बदनाम लड्डुओं का, लेकिन हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।